बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 4 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.1। यहाँ से डेटा हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। डिपेंडेंसी को हमने जितना भी करना था वो कर लिया। अब हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंट यहाँ आएगा। आपको खुद बताएगा कि डेटा जो इंडिपेंडेंट है, या आपको कहेगा एज या कहेगा बीज, मतलब बी की, ठीक है। ये जो हमारे पास ऊपर कॉमा होता है, ये आपको ध्यान रहे, इसका मतलब होता है ऑफ बीज, ठीक है। पता नहीं आपको इंग्लिश में ज़्यादा ये पता भी है या नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं, हमें कहता है कि डेटा जो है इंडिपेंडेंट है। देर इज़ 240 एज, ए की जो है ये 240 हैं, ठीक है बच्चों। और बीज की जो है वो है हमारे पास 270, और इन 600 ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 600 है बच्चों। यहाँ आ जाएंगे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ए बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्या होती है, ये मैंने 4 के ए पार्ट में बता दिया। अब और उसका जो मैं टेबल था वो बताना भूल गया हूँ 4 के ए पार्ट में, वो आपको नहीं बताया, वही इम्पोर्टेंट है। वो आपने लाजमी उसका टेबल देख लेना, मैं आपको पेज बता देता हूँ। ये पेज है हमारे पास 218 पेज आपकी बुक का। इस पर बना हुआ, इसके स्टार्ट में बना हुआ टेबल आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, अच्छी तरह से उसे रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इसको रीड आउट करने के बाद आपको काफ़ी सारी समझ आ जाएगी। ये उस वक्त यूज़ होगा जब डेटा जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, उस वक्त हमने इसे यूज़ करना, इससे आपको काफ़ी सारी समझ आ जाएगी। अब यहाँ आ जाएंगे हम, ए बी जब दोनों इंडिपेंडेंट हो, इसके सॉरी मैंने डाल दी, ए बी अल्टीमेट क्लास इज इक्वल टू इंडिविजुअल ऑफ ए एंड इंडिविजुअल ऑफ बी डिवाइड बाई एन। ये हमने फार्मूला 4 के ई ए पार्ट में मैंने बता दिया था। अब एज कितनी है हमारे पास, 240 है। 240 मल्टीप्लाई बाई 270 डिवाइड बाई 600। अब यहाँ अगर आप इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर उठाना है, 240 मल्टीप्लाई बाई 270। वीडियोज कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में बताना है। 600 प्लस एंट्री आपको बस वैल्यू होगी 108, विच इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगेबान।